मैंने कभी भी ऑनस्ट्रीम मेंशन नहीं किया था कि मैं क्या खाता हूं या क्या पीता हूं, ना ही मैंने किसी सोशल मीडिया पे कहीं पे भी मैंने कहीं खिला रहा है कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कहीं कोई उस चीज को देख के वो चीज करने लग जाए। मैं जो चीज करता हूँ, जो भी करता हूँ, मेरी सराउंडिंग में एक्सेप्टेबल है, मेरी फैमिली में एक्सेप्टेबल है, मेरी सराउंडिंग में सब लोग करते हैं। शायद तो तू भी वो चीज करता है, बहुत बार तूने उल्टियां की हैं, है ना, तेरी सराउंडिंग में भी सब लोग करते हैं, जहां जहां जिस जिस जगह पे वो चीज एक्सेप्टेबल है वो सब करते हैं। तो मैंने कभी, या मैंने जब वो स्ट्रीम की थी, मैंने आके तेरे को ये नहीं बोला कि तू ये क्या करता है, बट तूने पर्सनल उछालने की कोशिश की ना। प्रूफ प्रूफ एक कोई तो ब्लॉग है, जब हम बना लिए थे वहां पे देख लेना, वहां पे बातें की ना, तो वहां पे देख लेना। अगर किसी को लग रहा है कि इसने मेरे बारे में खाने पीने की बात नहीं की, इसने 2 से 3 बार मेंशन किया है, कहीं पे तो इसने मेंशन किया बंद होते थे, कहीं इसने मेंशन किया है कि तुम ये मत करा करो, इसकी जगह कुछ और कर लिया करो, तो आई थिंक इसने वो चीज पर्सनल से पब्लिक कर दिया, तो इसको ये खुद अच्छी नहीं लगती, तो इसका मतलब ये किसी को कमेंट करेगा, जबकि ये खुद भी करता है। आई थिंक जब तुम्हारी टीम जीती है, ट्रॉफी जीती है, तो तुम लोग शायद तब भी कर रहे थे वो चीज़, है ना, कर रहे थे नहीं कर रहे थे तो बता देना। और हाँ, तू मेरी पर्सनल चीज एक्सपोज कर रहा है, तू सिगरेट पीता है, मैंने तो कभी बात नहीं की आके, मैं तो सोशल मीडिया पे ये चीज एक्सपोज नहीं कर रहा था कि तू सिगरेट पीता है ना, और तू, मैं नाम नहीं लूंगा, समझने वाले समझ जाएंगे, तो वो भी पीता है, तो मैंने भी कभी नाम नहीं ली, है ना, सॉरी, मैं किसी और के बारे में नहीं बात करूंगा, या कोई बाकी मत रखना कि मैं किसी की पर्सनल उछालता हूँ, मैं सिर्फ इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसने शुरू किया है ना। मैं तो शायद वो चीज़ करता हूँ जो सोशली अवेलेबल है और हर जगह लीगल भी है ना, तो वो भी करता है। इसके आगे मैं बढ़ूंगा नहीं, तो क्या क्या करता है, ये गले में एक पेंडेंट पहन के रखता है भगवान के नाम का, है ना, जो ये मुखौटा पहना हुआ है, जो लोगों को पागल बनाता है, जो ये मुखौटा पहना हुआ है, क्योंकि इसको पता है कि लोग सबसे ज्यादा उस चीज से अटैच होते हैं, ये उस चीजों के साथ भी लोगों के इमोशंस पे खेलता है ना, जानबूझ के। मतलब अगर हमें कुछ चीज का डालने का कुछ शौक भी है, उसको हम आराम से छुपा के रख सकते हैं, या कुछ भी चीज तरीके से रख सकते हैं, बट इसको बाहर क्यों रखना है, क्योंकि सिंपथी खानी है। क्या उस चीज को यूज करना है, क्या बोलते हैं उसको, चलो मैं नाम लेता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, वेलिंगटन बीफ, है ना, ऐसा कुछ खाता है तो तूने खाने पीने पे किसी के कमेंट करने से पहले तेरे को सोचना चाहिए था। एक मिनट वाला ना, पिंक फॉर आई यू आर बाबा ऑल ऑफ दिस, छोड़ दे, नहीं मैं गिर चुका हूँ, मैं कल गिर गया था जब मैंने, जब इसने बाप पे कमेंट किए, मेरी पर्सनल मैं क्या करता हूँ उस चीज पे कमेंट किए, और ये लोगों के सामने, फैंस के सामने, या मेरे अपनों जो मैं जिनके साथ अभी ज्वाइन हूँ या जिनके साथ मैं कनेक्टेड हूँ, उनके सामने डिफेंड करने की बहुत कोशिश किया। इसने मेरे लिए नहीं, इसने सब लोगों के लिए किया, इसने गोली भाई और थक को भी आपस में लड़ाने के लिए ये सब चीजें करी। सारंग भी कुछ सारंग वाली बात मैंने इसलिए बोली, और मैंने क्या बोला था, और तुमने टॉपिक को क्या घुमाया, इसमें तू और सारंग दोनों इंक्लूड होते हो, हाइलाइट्स कवर करना कि मैंने सारंग के लिए क्या बोला था। मैंने बोला था कि सारंग को आजकल ये नया भाई मान रहा है, ऐसा कुछ वर्ड्स थे, है ना, कि भाई मान रहा है कि उसकी भी दोस्ती की एक्सपायरी, मैंने ऐसा बोला कि उसकी भी एक्सपायरी जल्दी आ जाएगी, हमारी तरफ हमारी लाइन में वो भी लग जाएगा, वो लाइन में लगने भी वाला था। ये चीज मैंने क्यों बोली थी, सारंग शायद तेरे को नहीं पता होगा, या तेरे को पता भी होगा, सारंग को भी सुन ले, तूने इस चीज को काफी बड़ा चढ़ा के, क्योंकि जब मैं इसके साथ था ना, मैं भी इसके जैसा हो गया था, मैं भी लोगों को ऐसे ही बिना किसी बात पे ट्राई करता था, तो शायद तू भी इसके जैसा हो गया, और मैं पूरी बात करता हूँ। मैंने तेरे लिए इसलिए बोला क्योंकि जब तेरे ही, जब तू इसके लिए कुछ टाइम सर्टेन पीरियड के लिए तू फ्री खेलने के लिए इसको यस कर दिया था, बाकी टीममेट छोड़ के भाग गए थे टीएक्स से, जब तू शायद अकेला बचा था, तेरे पास टीममेट्स थे, तब ये इसने पूरा अपना दम लगाया, जो आज सोल का लाइनअप है, मान्य का लाइनअप, उसने पूरा लाइनअप, पूरा दम लगाया उनको लेने का। मैं ऐसी बात तेरे लिए क्यों किया, इसने पूरा दम लगाया, अनफॉर्चुनेटली वो लाइनअप ने हाँ नहीं बोला, बट अगर वो लाइनअप हाँ बोल देती, 5 वो प्लेयर थे, एक वो कोच था, एक वो एनालिस्ट था, और शायद तेरा तेरा नंबर तभी कट जाता, तब शायद तेरे को टीजर में खेलना पड़ जाता। और फिर उसके बाद सारे, तूने ये बोला कि मेरे लिए बहुत रिस्पेक्ट थी, मैं भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, स्पेशली स्पोर्ट्स प्लेयर की जो अपनी मेहनत से आते हैं, तेरे पास मुझे पता नहीं है, बट तू आज बहुत अच्छा कर रहा है, मैं उस चीज के लिए तेरे को हमेशा अच्छा बोला हूं, जब तुमने बीजेएमएस में हारा था, मैंने तब भी तुम्हारी टीम के लिए अच्छा बोला था कि ये फॉर्मेट उनके हिसाब से नहीं है,
बाकी टूर्नामेंट्स में देखना या दोबारा सिंपल फॉर्मेट आए, ये लोग फाड़ेंगे। पर सारंग तूने ये बोला कि मैं तेरे से शायद जलता हूं कि मैं जीत नहीं पाया, तू जीत गया। अनफॉर्चुनेटली अफॉर्चुनेटली तू और स्काउट मिलके उस अपनी जीत वाली ट्रॉफी वाले दिन भी तुम्हें मेरे सेकंड आने का ज्यादा दुख था। शायद तुम तब भी अपने रूम में मेरे बारे में ये डिस्कस कर रहे थे कि मावी तो कैरी हुआ है, ये तुम दोनों के मुंह की बात है। तो मैं तो तेरे लिए कोई पर्सनल कमेंट नहीं किया था, मैं तो जस्ट जो चीजें हो रही थी मैं तो उसके अकॉर्डिंग बोला। सारंग मेरी जान, मैं तेरे लिए कोई एट नहीं है, तू हमारा कोई भी कनेक्शन नहीं है, हम एक स्पोर्ट्स प्लेयर हैं। तू जीत रहा है, मैं तेरे को रिस्पेक्ट करा करता हूँ क्योंकि मैं भी स्पोर्ट्स प्लेयर था। क्या जवाब भी दूंगा? क्यों तू रूम के अंदर बैठा था क्या? अरे जो ये बातें बोलता है उसमें भी रूम में अंदर बंदे बैठे थे, और जिस दिन ये बातें कर रहा था उस दिन भी रूम में बंदे बैठे थे, अकेले नहीं थे बाबू। अभी मेन टॉपिक, आदित्य जो टीम एक्सपार्क में था, और बहुत सारे लोग यार मेरे साथ दो तेरे साथ बहुत चार सारे साल लोग से, हैं, तेरे किसी को साथ दिक्कत बहुत नहीं सारे हुई। लोग इसलिए हैं क्योंकि तू, अगेन मेंशन करता हूँ, तुक्के चाटने का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ कि अपने मुंह से बोली हुई बात से मुकरना या एक मुहावरा है, मैं तुक्के नहीं चाटता हूँ। मैं अपनी लिस्ट से जिस बंदे को काट देता हूँ मैं उसको पूरा काट देता हूँ, मैं बताता हूँ कैसे क्या करता हूँ, ठीक है? मैं दोबारा नहीं उसके पास जाता या अपने मतलब के लिए वापस नहीं जाता। तूने जॉनी के लिए 4 बार कॉन्ट्रोवर्सी की, तूने 4 बार जाके उसको बैक एंड पे सोशल मीडिया से पीछे हटके जाके वापस बुलाया, तूने मॉडल के साथ कॉन्ट्रोवर्सी की, तू दोबारा फिर सोल में खेलने आ गया, तेरा सेल्फ रिस्पेक्ट तेरा सब कहाँ गया था? क्योंकि सोशल मीडिया पर तेरा आगे बढ़ना है, तेरी जिंदगी वहां है। तूने हर एक टीममेट को, तू बोलता है ओवेस तेरे साथ है, ओवेस की तूने क्या नहीं की ऑन स्क्रीन? तुम लोग एक दूसरे के साथ एक दूसरे को बिल्कुल हेट करते थे, मुझे भी याद है, बट तू फिर दोबारा शॉर्ट कर लेता और जानबूझ के सोशल मीडिया पे ये दिखाता है कि तू बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है। मेरा असूल है कि मैं जो बंदे काट देता हूं जिससे, उनसे कभी दोबारा बात अच्छे से या वैसे उस लेवल पे नहीं करता हूं, और जिनके लिए मैं तेरे लिए लड़ा था। तू बोलता था ना कि तूने बोला था ना कि तूने 2 साल से गौरल के साथ बात क्यों नहीं की, मेरे साथ वाले सीना ठोक के बोलते हैं कि भाभी ने जिसको इससे काट दिया उसको काट दिया, उससे बात नहीं करता है। और मैंने तेरे को भी आज तक शर्मिंदा नहीं होने दिया या झुकने नहीं दिया, उसके बाद भी जबकि मुझे गौरल से कितने ऑफर आते थे, कितने पैसों के ऑफर आते थे, और कितने सारी जगह पे हैं जहां पे मैंने कभी भी बहनचोद अपने किसी को, तेरे को तो चल झुकने नहीं दिया, किसी और को झुकने नहीं दिया कि कहीं ऐसा ना हो जाए, जहां पे तूने हम सबको झुका, हमारे सारे एसएटीएल के सारे बंदों को तूने गॉर्डल के चढ़ाया। आज तक जितनी कॉन्ट्रोवर्सी ना सिर्फ तेरी वजह से है और किसी की वजह से है ही नहीं एसएटीएल और गॉर्डल की, और जो भी गंद बकना वोकल वो लोग हुए हैं तेरे लिए और तेरे थ्रू इसलिए एसएटीएल पे आए हैं क्योंकि तू हमारे साथ जुड़ा हुआ था, या तू चल मेरे साथ छोड़ दे, मेरे को निकाल दो, मैं किसी के साथ जुड़ा नहीं हूँ, और तू एसएटीएल के साथ जुड़ा हुआ था। तूने हर जगह शर्मिंदगी कराई है हमें कि हम किस बंदे के लिए स्टैंड करते हैं और ये क्या करता है वहां जाके। वीरू और गिल के साथ जो हुआ वो चीज अनफॉर्चुनेट था, और अनफॉर्चुनेट नहीं था, अनफॉर्चुनेट नहीं था, वो फॉर्चुनेट था। वही गिल और वीरू के लिए मैं, जिन्होंने मेरे को इतना बड़ा मुकाम पर पहुंचाया, उनके लिए मैं उल्टा हो गया, उनके खिलाफ खड़ा हो गया, मैं तेरे लिए खड़ा रह गया साथ में, उनके खिलाफ खड़ा हो गया। गिल को जब मैंने उसकी एक हाई सैलरी से उसको एक सर्टेन और में बुलाया और परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी जब सबकी वजह से, और तू अफोर्ड नहीं करवा पा रहा था गिल की सैलरी, तब भी मैंने तेरी साइड खड़े रह के उसके गिल को हर्ट किया वहां पे, उसको ये रियलाइज कराया कि मैं तो इसकी तरफ खड़ा हूँ। मैंने उसकी सैलरी आधी करने की बात की और मैंने उस चीज पे स्टैंड लिया जिसकी वजह से गिल और वीरू ने छोड़ा, उसके बिना कोई रीजन नहीं था। रही बात जॉनी की, मैं और जॉनी भी एक दूसरे को, जॉनी ने मेरे को आके खुद लैंड पे आके बुलाया था उसी बीजेएमएस में जहां पे ये हग रहा था। मैंने कभी आके, मैंने शायद मेंशन किया कि जॉनी, एक बार मेंशन किया होगा कि जॉनी बहुत अच्छा बंदा है यार, खुद से उसने आके बुला लिया, इवन उसके नंबर दें, मैंने कभी मेंशन नहीं किया है, मैंने कभी सॉर्ट करने का ट्राई नहीं किया है ना, क्योंकि ऐसे टेल को उन बंदों को बुरा ना लग जाए जिनके लिए हम गॉडल के अगेंस्ट गए थे कि तो ये भी उसका जैसा निकला। मैं सिर्फ उसको एक, जिस दिन उसका बर्थडे होता था किसी की स्टोरी डाल के उसको मैसेज डाल देता था हैप्पी बर्थडे, उसके बिना उसको मैंने आज तक कभी सॉर्ट करने की ट्राई नहीं की। मुझे फेम चाहिए होता तो मैं सॉर्ट कर लेता बाबू, उसके नंबर दे, उसकी वॉचिंग देखा, अगर मुझे ये चीज का लालच होता। भाई यस, पोचिंग वाली बात, ये बात थी कोचिंग लंदन वाली की। बात, जब लंदन मैं की मत बोला करो, कोचिंग कोचिंग मत बोला करो, तेरे से ज्यादा बड़ा खुद कोच होने वाला और कोच करने वाला बंदा कोई भी नहीं है। कहाँ कहाँ तूने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं किए, कहाँ कहाँ तूने हगा नहीं, कहाँ कहाँ तूने दूसरे लोगों को पोच नहीं किया, कहाँ कहाँ तूने क्या नहीं किया। मेरे को भी तेरी टीम में से कुछ प्लेयर अच्छे लगते होंगे, मेरे को भी सोल का रोनी अच्छा लगता था, बट हम एक कटघरे में थे, मैंने तो कभी भी जाके नहीं, चाहे वो चीज सक्सेसफुल ना होती बट मैंने कभी भी जाके रोनी को ऑफर नहीं डलवाया था अपनी टीम से कि रोनी को ऑफर डाल दो, वो बहुत अच्छा प्लेयर है, हमें जरूरत है एक अपने फैमिली, तो फैमिली बनेंगे ना, एक अपने सराउंडिंग में जो लोग होते हैं मैं उनकी गांड नहीं मारना चाहता था। ये खेलता था स्पोर्ट्स, इसकी पहले कॉन्ट्रोवर्सी पे, बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी पे आता हूँ, जहां पे इसकी, क्योंकि स्ट्रीमर भी था, इसकी जल रही थी डायनेमो की वॉचिंग को देख के, ये स्पोर्ट्स प्लेयर था, ये फोन पे खेलता था, ये फोन पे स्ट्रीम करता था, अपनी स्ट्रीम करता था ना, वही डायनामो एक कंटेंट क्रिएटर था, वो चाहे एमुलेटर पे खेले, जाए आईपैड पे खेले या किसी भी चीज पे खेले, हमें किसी तीसरे बंदे को मतलब नहीं होना चाहिए था। और कॉन्ट्रोवर्सी से अगर बंदा नहीं बनता है तो मैं बताता हूँ, कॉन्ट्रोवर्सी से आज मेरी 50,000 अगर मेरे को इस चीज पर चस्का लग जाए, जो उस पर लग गया था,
तो क्यों नहीं करूंगा। मेरा पिछली कल परसों की स्ट्रीम का रेवेन्यू मेरे पूरे 5 या 6 स्ट्रीम से ज्यादा है। अगर मैं उस चीज पे उतर गया, अगर मैं उस चीज पे उतर गया तो मेरे को चस्का लग जाएगा। कंट्रोवर्सी अच्छा बन के घूम रहा था कि मैं तो कंट्रोवर्सी दूसरों के फायदे के लिए करता हूँ। एक अननोन बंदे की, तू जिसकी वॉचिंग ज्यादा आ रही है और तेरी कम आ रही है क्योंकि वो ज्यादा अच्छा खेल पा रहा है उस पे एमुलेटर पे, तेरी गांड चल गई। तू आज उन्हीं लोगों को बोल रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए अच्छा किया। तेरे को फॉलो करने वाले ई-स्पोर्ट्स वाले लोग हैं, उनके साथ तो देखना क्या हुआ। उन जिन जो लोग उसको देखते थे, जो लोग उसको देखते थे जबरदस्ती एक टाइम पे आके वो बंदे ने फोन पे भी बेचारे ने शिफ्ट कर दिया, क्रिटिसाइज होके, बिना जरूरत के क्रिटिसाइज होके फोन पे भी शिफ्ट कर दिया। उसके भी तो फैन चले गए होंगे, उसको भी तो बुरा लगता होगा। उसका तो तेरे साथ कोई नाता भी नहीं था, इसको तूने घसीट लिया। तेरे मतलब के लिए थी वो कंट्रोवर्सी, तेरी वॉचिंग के लिए मतलब के लिए थी। तेरे से बहुत ज्यादा एक बंदा वॉचिंग ले रहा था, तू ले नहीं पा रहा था। उसको रोकने के लिए या उसको तूने उसकी मारने के लिए वो चीज ट्राई की। और आज उसी बंदे भी तो बोलता है कि मेरा अति भाई है, अति और मेरा सॉर्टेड है। अरे कभी दिल में जाके देखिए उसके। पहले तो इसने जब जॉनी टॉप फ्रैगर बनने लगा, इस ये उसकी उसमें घुसने दाफ में घुसना शुरू हो गया ना, दोस्ती यारी कर ली एज यूजल, आदत है हर एक, चाहे वो बड़ा हो चाहे कुछ भी, उसकी चाटना और उसके अंदर घुसना। उसने अपना YouTube चालू किया, वो अपना YouTube कर रहा था, आज भी कर रहा है, अपना ही कर रहा है, अपने ही टैलेंट पे कर रहा है। और उसके साथ जुड़ के इसने उस पर भी तूमत लगा दी कि इसको मैंने सपोर्ट किया है, ये मेरी वजह से बना है। जब तक तो वो 2 मिलियन या 2-3 मिलियन तक नहीं पहुंचा तब तक ये यही बोलता रहा तो मेरे से बना है। जब उसने क्रॉस किया तब शायद इसका वहम दूर हो गया, वो इससे नहीं बना है ना। और ये ई-स्पोर्ट्स भी इसलिए कंटिन्यू किया था, वापस के जॉनी के 4 मिलियन क्रॉस हो गए, अब मुझे ई-स्पोर्ट्स में ग्राइंड करना है, जो चीज़ मैं छुपा रहा था। इसने यहाँ पे मेंशन करी जिसकी सबसे ज्यादा कॉस्ट यही बुक देगा, लिमिट क्रॉस कर गई है तो क्रॉस ही करते हैं। आप सारी पर्सनल गए हो तो मैं पर्सनली मिलेगा। अब मैं ऐसी कौन सी पर्सनल बात गया हूँ जो मैंने अलग शुरू किया। खाने पीने पे इसने कमेंट किया, मैं खाने पीने वाली बात कर रहा हूँ। इसने मेरी इमेज एसिटिल और गॉडल के खिलाफ उछालने की बात किया, मैं वो बात किया हूँ। और क्या कहते हैं, इसने मेरी पूरी इमेज के बात में मेरे बारे में बात किया, मैं कैसा हूँ, इसने वो बात किया ना। तू 2022 में अगर तू पर्सनल जाएगा तो प्लीज एक बार अपने सराउंडिंग से पूछ लियो कि अगर मैं भी पर्सनल गया तो क्या होगा। 2022 में मैंने क्या किया या क्या नहीं किया और तू क्या कर रहा था वो मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। सब बातें हो जाएंगी, तू टेंशन मत ले। तू आज